नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के थाना रंजीत एवेन्यू की पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 3 आरोपियों को किया काबू। 33 मोटरसाइकिल, 3 एक्टिवा की बरामद। अमृतसर के थाना इस्लामाबाद की पुलिस ने खिलौना पिस्तौल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 सदस्यों को किया काबू। 2 खिलौना पिस्तौल, 1 एक्टिवा व 2 दातर किए बरामद। अमृतसर की न्यू पवन नगर में पतंग उड़ाते हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आया एक बच्चा। दाहिना हाथ और दोनों पैरों की उंगलियां पड़ी काटनी। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह के दिशा निर्देशों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 चोरों को थाना रंजीत एवेन्यू की पुलिस ने काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ADCP प्रभजोत सिंह विर्क ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 36 के करीब चोरी शुदा वाहन बरामद किए गए हैं, जिसमें 33 मोटरसाइकिल और 3 एक्टिवा शामिल है। उन्होंने बताया कि ये आरोपी ज्यादातर रंजीत एवेन्यू इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और इनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। FIR नंबर 132 दर्ज किया 379411 ਅਤੇ 1 FIR ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ 44 ਨੰਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ 36 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 2 ਐਕਟਿਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਇੰਡਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 86 ਨੰਬਰ, ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਇੰਡਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕਮ ਐਂਡ ਕੁਲੈਕਟ ਦਮ, ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਟੋਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। अमृतसर के थाना इस्लामाबाद की पुलिस ने खिलौना पिस्तौल से लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ACP सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी की एक्टिवा, 2 खिलौना पिस्तौल, 2 दातर भी बरामद किए गए हैं। ये सभी आरोपी खिलौना पिस्तौल के साथ अलग अलग इलाकों के अंदर लोगों को डरा धमका कर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने 12 के करीब वारदातें करने की बात कबूली है। फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ये आज जड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ, ये साडे इस्लामाबाद थाने दे SHO मोहित कुमार दी अगुवाई हेठ एक गैंग नु इन्होंने फड़िया आ, जिहड़ा इलाका इस्लामाबाद गेट कीमा ईडविन एरिए ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 129 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 379B ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ 1/4/2023 ਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੜਿਆ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਐਕਟਿਵਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, 2 ਖਿਡੌਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ 2 ਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਤਰ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਟੋਏ ਪਿਸਟਲ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। अमृतसर में पतंग उड़ाते समय एक युवक हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आ गया, जिस कारण वह इतनी बुरी तरह से झुलस गया कि उसका दाहिना हाथ काटना पड़ा, तो वहीं डॉक्टरों को उसके दोनों पैरों की 10 उंगलियों को भी काटने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कान है और उसे हाथों से मोबाइल पर गेम खेलते हुए देखा जा सकता है। ऐसे हादसे में से गुजरने के बाद उसकी मजबूत इच्छा शक्ति को देखकर हर कोई उसे सैल्यूट करने से पीछे नहीं रह रहा।
न्यू पवन नगर में किराए के मकान में रहने वाला शिवा अपने तीन भाई बहनों में से सबसे बड़ा है। उसका पिता लवकुश बर्फ के गोले बनाकर गली मोहल्लों में रेड़ी पर बेचता है। न्यू पवन नगर की तंग गलियों में बने मकानों के साथ हाई वोल्टेज तारों का जाल कई वर्षों से नजर आ रहा है। लगभग 13 दिन पहले शिवा छत पर पतंग उड़ाते समय इन तारों की चपेट में आ गया था। कुछ दिनों तक उसके माता पिता ने घर के जेवरात आदि बेचकर उसका इलाज करवाया, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वे उसका इलाज किसी अच्छे अस्पताल में नहीं करवा सके। पैसे खत्म होते देख एक समय तो शिवा के पिता ने इलाज करवाने से हाथ खड़े कर दिए, तो वहीं डॉक्टरों के अनुसार भविष्य में एक बार फिर उसके प्रभावित हिस्सों की प्लास्टिक सर्जरी होगी। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसके पैरों की ग्रोथ होगी जो उसके चलने में सहायक होगी। इसके अलावा उसके लिए स्पेशल बूट भी बनवाए जाएंगे और उससे कृत्रिम हाथ भी लगवाया जा सकेगा। जैसे ही इसका पता शिवा के पड़ोसी तथा समाज सेवक सुनील शर्मा को चला तो उन्होंने इसकी जानकारी इलाका विधायक जीवन ज्योत कौर की टीम के सदस्यों पवन ठाकुर, मोनिका खन्ना, विनोद पुंज, अश्विनी शर्मा, राकेश कुमार और अनिल खुराना को दी, जिसके बाद जीवन ज्योत कौर ने इस परिवार की मदद के लिए टीम को बच्चे के पिता के पास भेजा। इतना ही नहीं, उनके प्रयासों के बाद शिवा को बटाला रोड के निर्माण हेल्थ सेंटर में दाखिल करवाया गया, तो वहीं डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और कहा कि अगर इसके लिए और जरूरत पड़ी तो वे इसका इलाज निस्वार्थ करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सब तो पहले जो सानू पता लगा कि एक छोटे बच्चे नाल लेना दर्दनाक हादसा होया, अही इन्हां दे घर आए, अही देखिया बच्चे की कंडीशन बहुत खराब सी, इहदे हाथ पैरां की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उस तो बाद असी इन्हां दे सुनील जी है साढ़े, ठीक है, उन्होंने मिल के इन्हों होस्पिटल लैके आए। इस बार निर्माण होस्पिटल ने भी बड़ी मदद की, इन्हों बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट किया। तो साढ़े MLA साहब भी आए, मैडम जीवन ज्योत कौर जी, उन्होंने आके बच्चे का हाल पूछा, तो ये जिन्ना भी खर्चा ये इलाज का होएगा उन्होंने वो इलाज का खर्चा अपना चुकया। तो कहते कि बच्चे का पूरा इलाज का खर्चा वो चुक रहे, तो डेली मेरे को रिपोर्ट लै रहे हैं कि बच्चे की हालत है या रिपोर्टा मेरे को लै रहे हैं। मेरा बच्चे का नाम शिवा जी, उन्होंने करंट बज गया जी, गुड्डी उड़ा रहा था जी, गुड्डी नाल लग गया, उन्होंने करंट बज गया जी। किस तरह पे कोठे के ऊपर गया था गुड्डी उड़ाने जी, तारा मेन तारा गई जी, उन्होंने लग गया, गुड्डी उसने लपेट लिया था, गुड्डी खींचने लग गया, उसके बाद में फिर उसने लपेट लिया जी। मेरा नाम डॉक्टर राहुल है जी, निर्माण मेडिकल सेंटर तो मेडिकल डायरेक्टर बोल रहे हैं जी। साढ़े को बच्चा आया से कुछ दिन पहला, चार दिन तो पेशेंट जिहड़ा किसी कभी किसी हॉस्पिटल कभी किसी हॉस्पिटल के धक्के खा रहा है, साढ़े को आए थे, तो यदि राइट जी बाजू है काफ़ी ज़्यादा जल चुकी थी, तो दोवें पैरों के जोड़े दसों उंगलों वो काफ़ी जल चुकी सी। पेशेंट को पहला बिल्डअप किया गया, पेशेंट काफ़ी ज़्यादा वीक सगा, उन्होंने ग्लूकोज प्रोटीन दे के थोड़ा बिल्डअप किया गया, दो खून दिया बोतलों दे के फिर उस तो बाद एम्पूटेशन की गई है। राइट बाजू जी है वो एल्बो तो नीचे कट्टी गई है, तो दसें उंगलों जीडिया कट्टिया गई उसकी सफाई की गई है। फिलहाल की घड़ी तो पेशेंट को कोई खर्चा नहीं आप लिया, कोई पेशेंट को खर्चा नहीं लिया, विद फ्री ऑफ कॉस्ट आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पेशेंट की पेरेंट्स की जी मंदी हालत है वो नहीं खर्चा कर सकते, पहला तो ही दो हॉस्पिटल के काफ़ी खर्चा कर चुके थे, हजे तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया पेशेंट। श्रोमणी अकाली दल बादल पार्टी सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल जालंधर छावनी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए पहुंचे। जालंधर छावनी में रखी गई बैठक की अध्यक्षता सुमित धीर काका व उनके सहयोगियों द्वारा की गई। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल के साथ पूर्व विधायक डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, अकाली नेता चंदन गरेवाल विशेष रूप से पहुंचे। इस बैठक में सुमित धीर ने जालंधर छावनी में चल रही समस्याओं से आए हुए नेताओं को अवगत करवाया। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल ने लोगों को लोकसभा उपचुनाव में अकाली बसपा के सांझे उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताने के लिए अपील की। इस मौके पर अकाली दल के SC नेता अशोक नाहर, राजेश नाहर द्वारा सुखबीर सिंह बादल को भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा भेंट की गई। इस मौके पर रोबिन कनौजिया, कोच विजय वेश, विक्की चड्डा, पूर्व पार्षद पुनीत कौर चड्डा, सतविंदर मिंटू, गोला प्रधान सतपाल बेदी, कमल कुमार भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। आज मैं सुखबीर सिंह बादल जी साडे प्रधान जो श्रोमणी अकाली दल दे पंजाब दे उन्हां दा इत्थे मेरे ग्रह विखे आउण दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा हां। बाल साहब इत्थे आए लोकां दा
उत्साह देखने को मिला सानू तां मैनू इन्ना यकीन नहीं सी कि अज असी इन्ने कट च बैठांगे। मैनू रात नींद नहीं आई बाल साहब, सच्ची गल कह रहे, पासे लेंदा रह गया। पहली वारी बाल साहब मेरे घर आ रहे हैं ते उत्तों किदा दा हो किदा नहीं हो, पर चलो मालक ने वाहगुरु जी ने साडी लाज रखी। सो बाल साहब कृपा करो साडे कैंट नू बचा लो। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा नतमस्तक हुए। इस दौरान उनके साथ सुशील रिंकू, विधायक शीतल अंगुराल, विधायक रमन अरोड़ा, आप नेता राजविंदर कौर, जगबीर सिंह बराड़ सहित समूह लीडरशिप भी मौजूद रही। इस दौरान सभी ने मां के पावन दरबार में माथा टेक आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से आए हुए सभी नेताओं को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया गया। गौरतलब रहे कि जालंधर उपचुनावों के लिए कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा को चुनाव इंचार्ज लगाया गया है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जननी माँ ज्योता वाली जगमग ज्योत जगे, धरती अर्श पाताल तलोकी नूरो नूर करे। आम आदमी पार्टी दे विच खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा अज आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप नूं लैके सिद्ध शक्तिपीठ देवी तला मंदिर नतमस्तक होने लई पहुंचे ने। गलबात कर लैने आ हरपाल सिंह चीमा नाल। चीमा साहब, अज आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप नूं लैके सिद्ध शक्तिपीठ देवी तला मंदिर नतमस्तक होने लई तुसीं पहुंचे? बिल्कुल, माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने लई पहुंचे हां, तां कि जिहड़ा हैगा पंजाब की सेवा करने लई होर बल मिले, होर ताकत मिले। और असी जिस तरह ईमानदारी दे नाल सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई सरकार काम कर रही है और गरीबों के काम हो रहे हैं, आम लोगों के काम हो रहे, इस तरह काम होते रहन। और बिल्कुल आशीर्वाद प्राप्त कर ली साड़ी समुची लीडरशिप, शशीर रिंकू जी, साडे रमन अरोड़ा जी, सारे MLA साहबान आए नेगे। सो माता जी तो आशीर्वाद प्राप्त किया। जो देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी सेवा दे रही है उसनू सेवा नू तुसी किदा देखदे हो? बिल्कुल, प्रबंधक कमेटी जी सेवा कर रही है, बड़े अच्छे तरीके से सेवा निभाई जा रही है, बड़े अच्छे प्रबंध ने। मैं प्रबंधक कमेटी के सारे मैंबर साहबान का, चेयरमैन साहब का धन्यवाद भी करना चाहना कि एडा सोहना उन्होंने कार्य प्रबंध जोड़ा है चलाया हुआ और दिन रात सेवा निभा रहे हैं। जी भाई, क्वेश्चन उही हो गया, जिदा आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी जरा उम्मीदवार घोषित कर दिता, कांग्रेस ने चौधरी संतोख सिंह की जी धर्मपत्नी है उन्होंने मैदान के उतार दिता, आम आदमी पार्टी किदा देखती है? देखो, आम आदमी पार्टी की पहली सरकार है इतिहासिक तौर पर, जिन्होंने पहले साल दौरान ही लामिसाल कम लोगों के पक्ष में, पंजाब के पक्ष में, पंजाब की तरक्की के पक्ष में, पंजाब नूं मुड़ तो रंगला पंजाब बनाने लई कीते नेगे। सो पूर्ण आ सके मुकाबला जिहड़ा वन साइड जिहड़ा आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ वड्डे भारी बहुमत दे नाल इस सीट जितूगी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की ओर से जालंधर में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें आप सरकार द्वारा एक वर्ष में किए गए कार्यों के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आने के बाद पंजाब सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, GST कलेक्शन में भी 17% की बढ़ोतरी हुई है, पंजाब के अंदर 28,000 से ज्यादा नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने जो वायदे किए थे वे एक एक कर पूरे हो
रहे हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जो बतौर मुख्यमंत्री सहु चुकी जो पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों ने एक बुलंद आवाज़ के अंदर आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत दे के 92 MLA जिता के पंजाब के अंदर एक ईमानदार लोगों की सरकार कायम की, तो उस तो बाद पंजाब के हरेक खेत्र के अंदर मालिया वो लगातार बढ़ रहा, क्योंकि साढ़े सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने सानू सारियां एको ही पाठ पढ़ाया कि ईमानदारी की सियासत करो, सिस्टम नू बदलो। 70 सालों तो पंजाब नू देश नू जिहड़ा सिस्टम नू इस तरह के लोग चिंबड़े हुए ने जिन्होंने सिस्टम तबाह करके रखता, अज पंजाब की जवानी पंजाब विश्वास नहीं प्रगट करती, वो पंजाब नू छड़ के जा रही आ, पंजाब किहड़े राह तुरिया गा, ये सारिया गल्लां दा एनालिसिस जदों 2022 की इलैक्शन होया तो उस बाद एक प्रचंड बहुमत की सरकार पंजाब के अंदर सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई के अधीन बन के तैयार हुई। और लगातार एक साल का समा हो चुकिया, एक साल के अंदर असी मैं ज़्यादा समा लग जू जो सारे ऐड से गल कर लग्या, मैं कुछ चंद जिहड़े साडे मेन नेगे उन्हां दी गल करांगा कि पंजाब के अंदर सरकार बनन तो बाद 3 महीनों बाद पंजाब के अंदर एक्साइज की पॉलिसी, क्योंकि डिपार्टमेंट मेरे को एक्साइज की पॉलिसी तैयार की गई, उस पॉलिसी के अधीन 3 महीनों बाद पॉलिसी लागू हुई, जबकि हमेशा कोई पॉलिसी साल ली होंगी आ, 3 महीने कोई समा घट सीगा, 3 महीनों के दौरान एक पॉलिसी का आगाज होंगे, एक पॉलिसी तैयार की जाती है, और उस दे अंदर 9 महीनों के थोड़े समय दौरान ही 41.41% का 41% तो उपर का वाधा रेवेन्यू का वाधा रिकॉर्ड किया गया, इतिहासिक आ। जिहड़े भी बंदे कई मैं देखिया सी बोल रहा सी, मेरा उन्होंने चैलेंज आ कि आओ खजाने के अंदर, क्योंकि मैं खजाना मंत्री हाँ, मैं पता गा 31 मार्च तक 41.41% का बड़ा वाधा, एक रिकॉर्ड वाधा, एक इतिहासिक वाधा आम आदमी पार्टी की सरकार के समय होया, सरदार भगवंत सिंह मान जी के समय होया। श्री राधा कृष्ण सेवा परिवार की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक शाम मुरली वाले के नाम भजन संध्या का आयोजन शहीद भगत सिंह कॉलोनी में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक किया गया। इस भजन संध्या में ब्रज रस अनुरागी परम पूजनीय रविनंदन शास्त्री जी महाराज ने श्री राधा कृष्ण के सुंदर सजे दरबार के समक्ष नतमस्तक होने के बाद अपने संकीर्तन और प्रवचनों से उपस्थित भक्तों को कृतार्थ किया। इस दौरान उन्होंने कथा के बीच बीच में भजनों की लहर भी छेड़ी, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक केडी भंडारी, आप नेता दिनेश ढल, अमित ढल, बॉबी ढल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं सिद्ध आश्रम भगत सिंह कॉलोनी के संस्थापक बाबा महेंद्र पाल ने विशेष रूप से शामिल होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर SK मित्तल, सुभाष शर्मा, विजय जोशी, TR टंडन, भक्ति सागर शास्त्री, केवल कृष्ण चोपड़ा, KK गुप्ता, पंडित कन्हैया लाल शर्मा, चेयरमैन ऋषि देव, प्रधान मनहर पशान, महासचिव अरुण गुप्ता, कोषाध्यक्ष हरविंदर सिंह सचदेवा, उप चेयरमैन अशोक शर्मा, रमेश चौधरी, जतेंद्र गुप्ता, रजत दुग्गल, राजन टंडन, राजीव शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। चढ़ना प्रारंभ हुए हैं। देखो माँ भगवती के मंदिर में प्रणाम करते हुए पहली सीढ़ी से आगे की ओर बढ़ो,
इधर दाएं बाएं संत बैठे हैं, कुछ माताएं बैठी हैं, आपको राधे राधे बोल रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां हाथ में तिलक वाली कटोरी लेकर के आपके माथे पर काल पर राधा राधा लिखना चाहती हैं। कोई लिखवा रहा है, कोई कह रहे नहीं आके लिखवाएंगे। थोड़ा थोड़ा सांस भी फूलने लग गया सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, और थोड़ा आगे गए दादा दादी का मंदिर आ गया, उसको प्रणाम करके अब सीधी चढ़ाई है, सीढ़ी थोड़ी खड़ी है, और अटारी की ओर देख करके एक सुकून मिलता है, राहत मिलती है। आ गए श्री जी, आ गए हम भी आ गए। राधे 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 सारे शहर में धर्म जगत के पुरोधान हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। Thank you.
ऑटोमोबाइल जगत की जानी मानी और प्रतिष्ठित कंपनियों में शुमार टोयोटा इंडिया की डीलरशिप कैसल टोयोटा की ओर से प्रतापपुरा के एकलव्य स्कूल में टोयोटा हाइलक्स की ऑफ रोडिंग कैंपेन शुरू हो गई है। इस दो दिवसीय कैंपेन में ग्राहकों को कंपनी की इस दमदार गाड़ियों की खूबियों से अवगत करवाया जा रहा है। ये इवेंट कंपनी के कपूरथला रोड और परागपुर जीटी रोड पर स्थित डीलरशिप के संयुक्त प्रयासों से कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्राहकों ने शिरकत की। ये इवेंट कैसल टोयोटा की डायरेक्टर सीमा होंडा, मैनेजिंग डायरेक्टर संजय होंडा की देखरेख में आयोजित हुआ। इस मौके पर उनके अलावा वाइस प्रेसिडेंट सेल्स सचिन शर्मा, राजेश सेठी, अमित कुमार सहित डीलरशिप का अन्य स्टाफ तथा ग्राहक भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। इवेंट जेड़ा बेसिकली आउटडोर ड्राइविंग बेसिकली जेड़ी हाइलक्स से टोयोटा का नवा प्रोडक्ट है कार, ये आउटडोर ड्राइविंग नु लेके बेस सीगा ते एदे विच असी मतलब बहुत वधिया इनफॉर्मेशन दित्ती इन्होंने गड्डी दी ड्राइविंग मोड्स ते उन्होंने काफ़ी मोड्स है जेड़े फोर व्हील ड्राइव के दो तीन मोड है लो च हाई च वो सू मतलब काफ़ी वधिया लगा गड्डी की ड्राइविंग। ओके सर तुसी इत्थे लोकल? हाँ बेसिकली मैं नकोदर तो हाँ, मेरा नाम डॉक्टर मलकीत सिंह है, मैं कॉइन विक्टोरिया। सानू आउटडोर जाना ही पैंदा बेसिकली, उहदे रिगार्डिंग मैं इदां दा एक व्हीकल देखण आया सी। टोयोटा दा पहला हाँ जी यूज़ किया हुआ चलाया, बट इदां दा पिकअप ट्रक टाइप नहीं पहला यूज़ किया। Quite meaningful. I got a lot of information regarding Hilux and its driving modes. It was so comfortable basically. It's a good vehicle and good. Jedi, ek demonstration si ek bahut vadhiya hai. Namaskar ji, mera naam Sachin Sharma hai. Main VP Sales hoon Castle Toyota mein. Aaj hum log ek event kar rahe hain, jis tarah ki aapne dekha hi hoga. Isme Hilux hai jo ki ek apne segment ki ek behtareen gaadi, जिसमें वो हर तरीके के ऑब्स्टिकल्स करके हमने कस्टमर्स को दिखाए हैं, जिसमें कि एक हाई टेरेन पे गाड़ी चलती है, उसके बाद नीचे आती है उसकी स्टेबिलिटी, उस गाड़ी की अपनी ब्रेकिंग, उस गाड़ी के अपनी बेस्ट टू बेस्ट किस तरीके से आप किसी भी टेरेन में इस गाड़ी को चला सकते हैं। और ये जो टोयोटा हाइलक्स है, ये इंडियन आर्मी ने गाड़ी अप्रूव की है, जहाँ पर बाकी गाड़ियाँ सबके सब फेल हो गई थी। सियाचिन जैसे जहाँ पर टेम्परेचर माइनस डिग्री रहता है, वहाँ पे ये गाड़ी सबसे बेहतर तरीके से अपनी उसने डिलीवरेंस और अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। और इंडियन आर्मी में करीबन 1200 गाड़ी है अभी परचेज हमारे पास ऑर्डर आया है टोयोटा के पास, और कैसल टोयोटा अपने ही कस्टमर्स को इस गाड़ी की बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए दो दिन की हमने एक एक्टिविटी की है यहाँ पर एकलव्य स्कूल प्रतापपुरा में, जहाँ पे कि कस्टमर्स आ रहे हैं और टेस्ट ड्राइव लेके और इस गाड़ी के हर तरीके के एक टेरेन पे चलाने का एक एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अभी तक हम लोग 150 कस्टमर्स को टेस्ट ड्राइव दे चुके हैं। यही एक्टिविटी कल के दिन और है, जहाँ पे तकरीबन 450 कस्टमर के लिए हमारी टेस्ट ड्राइव शेड्यूल हुई हुई है। तो मेरे जितने भी दोस्त, जितने भी मेरे अपने कस्टमर्स या जितने भी मेरे लोग हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, दे कैन कम टू अपना प्रतापपुरा एकलव्य स्कूल और ये इस गाड़ी की राइड ले सकते हैं बेहतर से बेहतर तरीके से, हर तरीके से टेरेन से इस गाड़ी को चला के इसकी गुणवत्ता के एक अच्छा प्रमाण ले के देख के समझ के, और एक ये गाड़ी जो सबसे बेहतर है उस गाड़ी की बेहतराई जो बेहतरीन चीज़ें हैं उनको महसूस कर सकते हैं। इस पूरे इवेंट के लिए मैं सबसे पहले टोयोटा का शुक्रगुजार हूँ, जिसने हमें ये मौका दिया कि हम अपने कस्टमर्स को इस तरह का एक टच एंड फील एक्सपीरियंस दे सकें। और साथ में स्पेशल थैंक्स टू सीमा सान जो कि अपना डायरेक्टर हैं कैसल टोयोटा में, अपना मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजय आंडा, चेयरमैन साहब मिस्टर जेके गुप्ता, उनका स्पेशल थैंक्स है जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी हमारे कस्टमर्स को इस तरह के टेरेन पे इस तरह की एक चीज़ को टच एंड फील और एक महसूस करने का एक बेहतरीन मौका दिया।